बस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध में उपद्रव, धरना प्रदर्शन और आगजनी की खबरें सामने आ रही है। इस विरोध के चलते देश भर में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इसी बीच 20 जून यानी कि आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। आरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत बंद के ऐलान के बाद आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों ने कहा कि चप्पे चप्पे पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। अगर कोई भी प्रदर्शनकारी हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अग्निपथ योजना के बाद हिंसा की घटनाओं को देखते हुए बिहार में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी का दायरा बढ़ता जा रहा है। गया और मधुबनी के बाद रविवार को इसमें जहानाबाद, खगड़िया और शेखपुरा जिलों को भी जोड़ दिया गया है। अब राज्य के कुल 20 जिलों में सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोक लगा दी गई है। वहीं जिन जिलों में पहले से इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई थी उसे भी 24 घंटे के लिए रविवार को बढ़ा दिया गया था। गौरतलब है कि रविवार को पूर्व मध्य रेल से खुलने और गुजरने वाली 362 ट्रेनें रद्द रही, जबकि 2 ट्रेनों का आंशिक समापन किया गया। सोमवार को भारत बंद की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को रद्द रखने का निर्णय लिया है। आरंभिक जानकारी के अनुसार रविवार की तरह लगभग 350 ट्रेनें सोमवार को भी रद्द रहेगी। देर रात तक ट्रेनों की सूची तैयार की जा रही थी। आरपीएफ, जीआरपी व स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर जगह जगह स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सादी वर्दी में पुलिस की तैनाती है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।